हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टूर चैनल सिरा शेख डी स्टडी आज हम टैक्सेशन का लेक्चर नंबर थ्री है जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास स्टार्ट करते देखो पिछले लेक्चर के अंदर हमने सम किया था हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ रहेगा या हो सकता है समझ में ही नहीं आया रहेगा तो आज फिर से अज्यूमिंग कि आज ही फर्स्ट लेक्चर है फिर से बेसिक करेंगे क्योंकि इसमें बेसिक्स ही है और कुछ भी नहीं है। क्या याद रखना है कि प्रीवियस ईयर में वो बंदा आपके इंडिया में कितने दिन के लिए था अगर वो 182 डेज के लिए था तो वो रेसिडेंट है रेसिडेंट है तो उसके टाइप चेक किया जाए मैं अगर ऐसा कुछ ईयर लिखता हूं और आप कंफ्यूज हो जाते हो पी, वाए, पी, पी वाए। और मैंने इधर लिखा प्रीवियस ईयर आपके लिए क्या है दो इक्कीस बाईस आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है दो हजार बीस इक्कीस ऐसा लिख रहा हूं और कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसा मत सोचो ऐसा लिखो अप्रैल से मार्च अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 ये आपका क्या है प्रीवियस ईयर उसके बाद प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कैसा है अप्रैल से मार्च फिर से बट ये कौन सा आएगा 2020 से लेके 2021 मतलब मार्च 2021 में इधर खत्म तो प्रीवियस ईयर 2021 इधर चालू होता है मार्च 2021 खत्म तो अप्रैल 2021 चालू होगा ना हाँ। वो अप्रैल 2021 इधर आता है समझ में आया तो ऐसे प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर आपके 10 साल के होने वाले एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2019 2020 तो ये अप्रैल है ये मार्च है ना तो मार्च 2020 में इधर खत्म तो अप्रैल 2020 इधर चालू होगा तो कैलेंडर ऐसे ही घूम रहा है अभी दिमाग में बैठा कैलेंडर कैलेंडर बैठ गया दिमाग में हा या नहीं सबको चलिए ठीक है बढ़ते सम राजेश is... भरोसा नहीं है यहां पर मिस्टर राजेश हु बोर्न एंड ब्रॉटअप इन इंडिया एंड इंडियन सिटीजन went for further studies to USA on 1st of March 2018 i hope barabar diya and came back to india on 1st October 21 hai and since then he is in india determined his residential status for the assessment year 21 sorry 22 23 giving explanation for your answer पहली बात तो ये बंदा कौन है और उसमें कौन से रूल एप्लीकेबल है ये इंडियन सिटीजन है राजेश इंडिया में ही रहेगा ये इंडिया के बंदा है नाम से पता चल रहा है और ये बॉर्न भी इंडिया में हुआ है इंडियन सिटीजन भी है इंडिया से बाहर गया वो स्टडी पर्पज के लिए मैंने आपको क्या बताया था कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है काम के सिलसिले में तो 182 डेज नहीं तो दोनों कंडीशन तो इस बंदे ने क्या किया है इंडियन सिटीजन है इंडिया के बाहर जा रहा है बट स्टडी पर्पज इसके लिए दोनों कंडीशन है कौन से दोनों कंडीशन वन एटी टू डेज वाला भी और सिक्सटी वाला भी ठीक है अभी बंदा पहली बार कब जा रहा है इंडिया के बाहर तो फर्स्ट टाइम वो जाने वाला है फॉर फर्दर स्टडी फर्स्ट मार्च 2018 को कल जो सम किया था ना ये भी कुछ उसी तरह है कैलकुलेशन में तो जरा ध्यान देना पहले तो मैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर लिख लेता हूं अभी आपका प्रीवियस ईयर ये है दो हजार इक्कीस बाईस फिर बाद में प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर आ जाएगा तो यहां पे आएगा दो हजार उन्नीस बीस दो हजार अठारह उन्नीस सत्रह अठारह सोलह सत्रह बंदा फर्स्ट मार्च दो हजार अठारह को इस साल की बात चल रही है मैंने यहाँ पे उन्नीस बीस तक बना दिया है फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अठारह उन्नीस है और ये मेरा सत्रह अठारह है तो ये मार्च है ये अप्रैल है ये अप्रैल है, है ये मार्च है कब गया वो इंडिया के बाहर फर्स्ट मार्च, मार्च, मार्च को बाहर गया निकल गया बट उसके पहले तो वो इंडिया में है यहाँ पे वो इंडिया में हाँ या नहीं हाँ। बट मुझे इस साल से कोई लेन नहीं है क्योंकि ये मेरा प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर है मेरा प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर है ये मेरा प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर है मुझे प्रीवियस ईयर का स्टे देखने का 18 को गया 1 मार्च को निकल गया मार्च को निकला तो अप्रैल में भी निकला रहेगा ना 2018 में इस साल में आया हाँ नहीं इधर बाहर है इस साल भी बाहर है मतलब इधर वो इंडिया में है ही नहीं पूरे साल भर 18 को गया इधर था वो कितने दिन था वो अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं बट 1 मार्च को निकल गया मार्च को निकल गया तो पूरा अप्रैल से मार्च अठारह उन्नीस बाहर ही है उन्नीस बीस बाहर ही है क्योंकि वो अब जारा अठारह को रिटर्न कब आ रहा है फर्स्ट अक्टूबर दो हजार इक्कीस में आ रहा है दो हजार इक्कीस मतलब इधर आ रहा है ना अक्टूबर में अरे बात समझ में आया समझ में आया मतलब वो दो हजार बीस इक्कीस में भी वो इंडिया में नहीं है क्लियर पक्का समझा है 100 है, तो वो आया कभी है? यहाँ पे फर्स्ट अक्टूबर को आया है और उसके बाद वो इंडिया में नहीं प्रीवियस तो ईयर तो में फर्स्ट अक्टूबर से, से मार्च तक इतने दिन के लिए वो इंडिया में समझा तो अक्टूबर में इंडिया में नवंबर में इंडिया में दिसंबर में इंडिया में जैन में है फेब में और मार्च में बराबर है गायत्री हाया नहीं अक्टूबर एक तारीख को इंडिया में आया मतलब अक्टूबर एक को इंडिया में अक्टूबर कितने डेज का होता है तो यहां पर लिख रहा हूं अक्टूबर अक्टूबर में पूरे थर्टी वन नवंबर पूरा थर्टीबर थर्टी वन डिसंबर का थर्टी वन जैन जान बेटा जैन होता है बेटा जान बेटा जैन निकल जाएगा इसमें थर्टी वन फेब अठ मिलते रहता है और मार्च पूरा थर्टी वन समझ में आया गया अब टोटल नाम का प्राणी हा क्या बात है? डेज़ <laughs> मतलब प्रीवियस ईयर में ये बंदा इंडिया में वन एटी टू लिए है तो ही इज़ अ रेसिडेंट। जब ये रेसिडेंट है तो आगे का स्टेटस चेक करना पड़ेगा बराबर है आगे के स्टेटस में इधर तक का इंफॉर्मेशन मेरे पास है और बोला इसके पहले वो इंडिया में ही था बोला है मतलब फर्स्ट मार्च को 2018 को जब वो गया था उसके पहले वो इंडिया में ही है तो बीस इक्कीस में तो इंडिया में नहीं है उन्नीस इंडिया में नहीं है अठारह उन्नीस इंडिया में नहीं है लेकिन सत्रह अठारह में वो इंडिया में है और इसके इंडिया में है बात समझा क्योंकि वो फर्स्ट मार्च को इंडिया में गया और आया इधर ना तो इस बीच में तो वो इंडिया में था ही नहीं तो इधर नंबर ऑफ डेज जीरो 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 ही रहेगा अरे समझा हाँ इसलिए अभी ऐसा वर्किंग करके दिखाया अब आ जाओ तो मेरे नॉर्मल वर्किंग पे पेवियसिडिंग प्रीवियस प्रीवियस ऐसे कितने साल के लिए बनाना पड़ेगा दस साल वन टू थ्री फोर फाइव टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन टू थाउजेंड ट्वेल्व इलेवन सॉरी थर्टीन टू थाउजेंड इलेवन गए दस साल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बात समझा क्या दो हजार बीस इक्कीस में वो इंडिया में है क्या बीस इक्कीस में इंडिया में है बीस इक्कीस में इंडिया में नहीं है ना उन्नीस बीस में अठारह उन्नीस सत्रह अठारह में है कितना है अप्रैल से लेके एक मार्च तक हाया नहीं दो मार्च से इंडिया में नहीं है तो मार्च में कितने डेज होते थर्टी वन उसमें से एक निकाल दो ना तो थर्टी डेज इंडिया में नहीं है पूरा साल कितने डेज का होगा उसमें से थर्टी अगर माइनस करिए तो कितना आएगा कल भी सेम कैलकुलेशन था अगर आपको याद होगा दो। तो यहां पे वो कितने दिन के लिए थ्री थर्टी फाइव इस साल पूरा थ्री सिक्सटी फाइव इस साल पूरा थ्री सिक्सटी सिक्स थ्री सिक्सटी फाइव थ्री सिक्सटी सिक्स 365, 365, 365 कितना हो गया भाई इधर 17 और 366 आएगा ना यहाँ पे 2012 है ना अरे समझा हा यहाँ पे वो नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बड़ी यहाँ पे रेसिडेंट 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 वन एटी टू कर रहा है ना तो एक दो तीन चार पांच छह सात बार वो दस साल में रेसिडेंट है प्लस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस में टोटल कितना होना चाहिए सात सौ तीस दिन जीरो 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 तीन एक दो तीन चार इन सब का टोटल कर लो कितना आता है थ्री सिक्सटी थोड़ी थ्री थर्टी फाइव थ्री सिक्सटी फाइव थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी फाइव ट्वेंटी यहाँ तक का टोटल वन एटी टू नहीं आना चाहिए ये प्रीसीडिंग प्रीवियस इं तक का वन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी वन बाजू जा इधर बैठ जाना बेटा क्लियर है आना अमित बैठ कुछ नहीं होता बेटा तब अपने बहन लोग है हाँ वेरी गुड अभी करीना ने अपने एक डाउट पूछा है सैफ अली खान किधर है नहीं

क्लियर है क्या क्योंकि है तो आगे का कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है अंडरस्टूड क्लियर चलिए ठीक है तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये बंदा इंडिया में प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट तो है और प्रीवियस ईयर में उसका स्टेटस भी क्या है ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्योंकि 10 साल में सात बार रेसिडेंट है और सेवन इयर्स का टोटल 730 से ज्यादा भी है तो इसका आंसर कैसे लिखना है तो बंदे का नाम लिखोगे कंडीशन में दोनों कंडीशन लिखोगे 182 डेज का भी और 6365 का भी यहां पे दोनों कंडीशन इसलिए लिखना पड़ेगा बिकॉज इसके लिए दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है अगर एक कंडीशन एप्लीकेबल है तो एक ही कंडीशन लिखेंगे ठीक है क्या समझा थे कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा मिस्टर जो भी है राजेश है राकेश है क्या है राजेश राजेश विल बी रेसिडेंट Of India, if he stays for 182 days in the previous year, 2122, or Another condition 60 days in previous year, 2122, and 365 days. फोर प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर कभी चालू हो रहा है अठारह में चालू हो रहा है दो हजार इक्कीस में खत्म हो रहा है यहां पे 2018 to 2021. समझ में आया हाँ या नहीं क्लियर सेवनटीन एटीन में चालू होगा और ट्वेंटी वन में खत्म क्लियर हुआ पक्का समझा तो ये आपका हो गया कंडीशन कैलकुलेशन में आप कैलकुलेशन पहला प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन ये दिखाओगे ये आप रेसिडेंट ये तो प्रूफ हो गया भाई रेसिडेंट हो गया फिर वापस कैलकुलेशन फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ये दस साल का कैलेंडर प्रिपेयर कर दो दस साल का कैलेंडर प्रिपेयर नील 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 335 365 3 ये कैलकुलेट करो और 7 इयर्स का टोटल दिखाओ और हर के बाजू में आरआरआर लिख आर, आर दो ये किधर आएगा कैलकुलेशन में बट इसका कंडीशन क्या लिखा जाएगा कंडीशन लिखा जाएगा मिस्टर राजेश विल बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही इज रेसिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 इयर्स एंड स्टेज़ फॉर 730 डेज और मोर इन सेवन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर और फिर ये कैलकुलेशन आपको दिखाना है. थी टाइप लग रहा है बट कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है आंसर तुम लिख लोगे मेरे को मालूम है आंसर लिखना इज इजी कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्लियर हुआ और एक सम करते तो मे बी और डाउट क्लियर हो जाएगा मिस्टर नाथ ये रब नहीं करो बेटा मिस्टर नाथ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वॉज एब्रॉड रिटर्न टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ऑगस्ट ट्वेंटी देखो वही दिया है मैं देख लेता हूँ कौन सा समय है नाथ वाला ना मिस्टर नाथ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वाज एब्रॉड रिटर्न टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फर्स्ट ऑगस्ट ट्वेंटी वन टू थाउजेंड नाइनटीन जो दिया ना वहां पे उसको आपको ट्वेंटी वन करना होगा एंड अगेन लेफ्ट टू इंडिया ऑन फिफ्टीन फेब ट्वेंटी टू ईयर का करेक्शन है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का तो डेट्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन लिख लेना मिस्टर नाथ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वाज रिटर्न टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एंड लेफ्ट इंडिया फिफ्टीन फेफ ट्वेंटी टू वॉट इज हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द दर ट्वेंटी टू नाथ एक इंडियन ओरिजिन का बंदा है इंडियन ओरिजिन का बंदा है मतलब उसके खानदान में कोई ना कोई इंडियन तो है जो कि वो बाहर सेटल था लेकिन वो इंडिया में आ रहा है किस किस रीजन से घूमने के नियत से फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द विजिट है यहां पे। अब विजिट है तो कितना कंडीशन अप्लाई होगा सिर्फ एक वन एटी टू डे का वो भी प्रीवियस ईयर बराबर है क्वेश्चन नंबर सेवन प्रीवियस ईयर बंदा कब गया और कब आया तो वो प्रीवियस ईयर में कब आ रहा है देखो फॉर फर्स्ट टाइम ऑन फर्स्ट ऑगस्ट ट्वेंटी वन में वो इंडिया में आ रहा है ये आपका प्रीवियस ईयर है ऑगस्ट में आ रहा है और रिटर्न कब जा रहा है फेब में मतलब ऑगस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, जैन फेब में वो इंडिया में है उसके पहले वो इंडिया में नहीं है इसके बाद वो इंडिया में नहीं है। इस पीरियड में वो इंडिया में है फर्स्ट ऑगस्ट को आ रहा है मतलब फर्स्ट ऑगस्ट से इंडिया में ऑगस्ट कितने डेज को होता है थर्टी वन सेप्टेंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, जैन फेब पंद्रह फेब को जा रहा है पंद्रह फेब को जा रहा मतलब पंद्रह दिन तो है ना फेब का अरे बात समझ में आया क्या अट्ठाईस थोड़ी लिखेंगे यहां पे। पंद्रह दिन को मतलब पंद्रह को निकल गया ना तो पंद्रह तक वो इंडिया में तो फेब के पंद्रह दिन ही वो इंडिया में टोटल नाम का प्राणी वन नाइनटी नाइन मतलब ये रेसिडेंट अब इसके पहले वो किधर था इंडिया के बाहर बराबर है मतलब इसके बाद जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर रहेगा वो इंडिया में है ही नहीं ना मतलब रेसिडेंट तो बन गया बट इसका स्टेटस क्या रहेगा नॉन ऑर्डिनरी रहेगा क्यों बिकॉज ये प्रीवियस ईयर में इंडिया में 199 नाइनटी नाइन डेज था बट प्रिस प्रीवियस ईयर में वो कभी भी इंडिया में नहीं था पहली बार ही वो अगस्त में इंडिया में आया है इसी साल साल वो 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 इंडिया 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 में में उसके पहले वो इंडिया के बाहर था मतलब इस साल भी वो इंडिया में नहीं है नहीं है नहीं है दस साल में वो इंडिया में नहीं है तो यहां पे उसका जो होगा, तो होगा, so हमको लिखना पड़ेगा ये yes. पहला आप ये कैलकुलेशन ये कंडीशन लिखोगे कैलकुलेशन में ये 190, और इसका रेसिडेंट डन फिर कैलकुलेशन फॉर ऑर्डिनरी में कंडीशन पूरा लिखना है और कैलकुलेशन में सब दिखाना है जीरो 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 कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा कंपलसरी है वर्किंग में सब दिखाएंगे जीरो डेज और फिर लिखेंगे यस ही इज अ रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्यों बिकॉज वो कहां पे भी रेसिडेंट नहीं था समझा आंसर कैसे प्रेजेंट करते जब भी रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी का कंडीशन लिखना ही है रेसिडेंट नहीं हुआ तो ऑर्डिनरी का कंडीशन नहीं आएगा बैठा के दिमाग में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट की तरफ क्या है क्वेश्चन नंबर एट मिस्टर कैनेडी अ सिटीजन ऑफ यूएसए केम टू इंडिया किधर भाई मिस्टर कैनेडी अ सिटीजन ऑफ यूएसए केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन हिस अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर of thomas cook and company on 1st april 2017 on 1st feb 2018 he was transferred to singapore for 3 years he came back to india on 2nd of feb 21 and joined his original thomas and cook as a manager and since then he is in india determine his residential status of mr kennedy 22-23 मुझे प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन चाहिए मतलब 21-22 में वो कहां था पहले तो क्या क्वेश्चन में दिया था जो Kennedy है US का वो इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आ रहा है देखो फर्स्ट अप्रैल 2017 को आया फर्स्ट अप्रैल 2017 यहां सत्रह यहाँ अप्रैल 2017 इधर वो इंडिया में है और इधर इंडिया में रह रहा है, रहा है, रहा है, रहा है, रहा है। और उसका ट्रांसफर हो गया देखो जरा फर्स्ट अप्रैल को इंडिया में आया फर्स्ट फेब टू थाउजेंड मैंने बोला ना करेक्शन क्या दिया मैंने 18, 18, मैंने करेक्शन 18, 18 18 बोला ना 18, 18. हाँ 18 ना तो फर्स्ट फेब दो मतलब इसी साल में वो चला गया अठारह सत्रह में आया इधर तक था फर्स्ट फेफ तक, तक इंडिया में था और फिर वो चला गया उसका ट्रांसफर हो गया कहां पे ट्रांसफर हुआ तो उसका ट्रांसफर हुआ सिंगापुर में मतलब इंडिया के बाहर फर्स्ट फेब को वो ट्रांसफर हो गया उसके बाद तीन साल के बाद वो इंडिया में आया है सेकेंड फेब 21 को सेकेंड फेब 21 मतलब यहां पे फेब 21 मतलब यहां पे वो निकल गया जब वो यहां पे नहीं तो इंडिया में इतने दिन के लिए ही बट यहां पे वो इंडिया में नहीं है यहां पे वो इंडिया में नहीं है यहां तक भी वो इंडिया में नहीं है फेब में आया बट फेब मेरा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है यहां पे वो इंडिया में आया और उसके बाद पूरा साल इंडिया में रुका है देखो ऐसा ही बोला उसने रिटर्न आने के बाद वो गया नहीं है ही इज इन इंडिया बोला है ना मतलब फेब 2021 को इंडिया में आने के बाद वो गया कहीं नहीं है मतलब अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2021 तक ही इज इन इंडिया तो कितने दिन इंडिया में पूरा 360 यस yes, 365 डेज मतलब यहां पे प्रीवियस ईयर में या के 21 22 में ही इज फॉर 365 डेज ही इज रेसिडेंट अब उसका स्टेटस ऑर्डिनरी या नॉन वर्ड तो यहां पे प्रीवियस ईयर में वो फेब से रह रहा है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में यहां पे वो इंडिया में नहीं यहां पे इंडिया में नहीं और यहां पे वो पहली बार ही आया है इसके पहले वो इंडिया के बाहर ही था देखो क्लियरली स्पेसिफाई किया है कैनेडियन यूएस का सिटीजन है पहली बार वो अगस्त में आया है 2017 में इधर आया है. उसके पहले अप्रैल 2017 को इधर आया उसके पहले वो इंडिया में नहीं था तो इसका कैलकुलेशन अगर मैं देखूंगा 10 साल का तो यहां तक ही मैं उसका कैलकुलेशन देखने वाला हूं क्योंकि यहां पे एनआरआई है वो बिकॉज यहां पे जीरो 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 आने वाला है बट यहां पर डेट्स आने वाले तो अपने को दो हजार 19 20 18 19 17 18, 18 में डेज कैलकुलेट करने हैं इसके समझा क्या चैताली तो यहां पे अप्रैल में आया और फर्स्ट फेब को गया अप्रैल से फर्स्ट फेब तक इंडिया में है अप्रैल में कितने दिन रहेंगे 30 मई में, में 31 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब में एक दिन इतना कैलकुलेट करने से अच्छा हम रिवर्स जाते हैं मार्च में इंडिया में नहीं है फेब का एक ही दिन नहीं ना बाकी सब दिन तो इंडिया के बाहर है ये अट्ठाईस दिन का था दो हजार अठारह तो सत्ताईस प्लस तीस कितना हुआ? 58. तो हम क्या करेंगे तीन सौ पैंसठ में से तीन सौ पैंसठ में से फिफ्टी एट माइनस कर देंगे समझा यहाँ पे कितना आ रहा है थ्री जीरो सेवन तो यहां पे उसका डेज क्या लिखोगे थ्री जीरो सेवन समझा क्या वो इधर इंडिया में है नहीं इधर इंडिया में नहीं इधर इंडिया में नहीं बट यहां पे इंडिया में है बीस इक्कीस में ना कभी आया फर्स्ट फेब को आया तो मार्च और फेब का है वो मार्च कितना पूरा थर्टी वन और फेब पूरा ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी वन और थर्टी एट कितना हुआ कभी आया सेकेंड फेब को आया तो सेकेंड फेब से कैलकुलेट करो अट्ठाइस

मतलब रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्लियर है क्यों? बिकॉज यहाँ पे रेसिडेंट यहाँ पे आ रहा है तो 10 साल में सिर्फ एक ही बार रेसिडेंट है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरा भी चेक करके मतलब नहीं है तो ही इज अ रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट समझा अभी पक्का समझा कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ डेज का और आपको पहचान में आना चाहिए कितने दिन और कब वो इंडिया में है और अपने को डेज इन इंडिया चाहिए आउट ऑफ इंडिया नहीं चाहिए क्लियर है थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी और कॉन्फिडेंस आएगा ज्यादा सम नहीं करता दो ही सम करता लेकिन वो दो सम को और अच्छे से प्रैक्टिस करो तो ज्यादा लोड लेके मतलब नहीं है एक बार ये टॉपिक हो जाएगा एग्जाम में अगर बात करूं मैं ग्रेजुएशन की या एस वाई की बात करूंगा तो इस टाइप के सम्स में छोटे छोटे सम्स आएंगे तो आएंगे बोर्ड एग्जाम में पांच मार्क के लिए आपको आया तो आया मतलब आपके टीवाई के एग्जाम में एग्जाम में आए तो पांच मार्क छह समझ नहीं है टैक्सेशन थोड़ा डिफिकल्ट अगर आप लग रहा भी है ना तो मैं आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा नहीं लगेगा मेरे को मालूम है थोड़ा सा आपका जो ब्रेन है इसको कॉन्स्टेंट कर दो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो सिर्फ सुन के समझ लो ये इजी हो जाएगा और ये प्रैक्टिकल लाइफ है प्रैक्टिकल लाइफ मतलब आप सबका भी स्टेटस जब आप टैक्स भरने जाओगे ना तो सबसे पहला यही पूछा जाएगा भाई कहां थे पिछले साल अरे हम इंडिया में थे मतलब तीन सौ पैसठ दिन आप इंडिया में थे आपका स्टेटस बन गया स्टेटसडेंट फिर गवर्नमेंट पूछेगा दस साल कहा थे अरे दस साल भी इंडिया में थे ठीक है आपका स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आप जब टैक्स भरोगे तो आपको रेसिडेंट एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हिसाब से टैक्स चार्ज करना पड़ेगा अगर आप रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी हो तो उसके हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा अगर आप सीधा सीधा एनआरआई हो तो एनआरआई के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा ये आपका सेकेंड टॉपिक है जिसे कहते हैं स्कोप ऑफ इनकम आप इंडिया में रह के इनकम कमा रहे हो तो गवर्नमेंट टैक्स किस पे चार्ज करेगी वो हम सीखेंगे नए टॉपिक में और ये प्रैक्टिकल है मैं अभी भी बोल रहा हूं प्रैक्टिकल मतलब आप जब जॉब पे जाओगे भी ना और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाओगे तो यही सब चीज आपको दिखने वाला है सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल है मजा आएगा थोड़ा आपको लोड इसलिए लग रहा है क्योंकि दो साल के बाद चीजों को आप पढ़ने जा रहे हो दो साल चीज के ऐसा हुआ ना ये थर्ड ईयर चालू हो गया तुम लोग ऐसा करना पड़ेगा कि आपके दिमाग को कमांड करना पड़ेगा भाई पढ़ना पड़ेगा एस वाई भी ऑनलाइन में निकल गया है कहीं तो ना कहीं किसी किसी का ऑफलाइन हुआ है बाकी सबका तो ऑनलाइन ही हुआ है तो आपने फर्स्ट ईयर भी ऑनलाइन दे दिया सेकेंड ईयर भी ऑनलाइन दे दिया खाली डायरेक्टली टीवाई के पास जा रहे हो बराबर है तो थोड़ा सा मेहनत अपन अच्छे से करेंगे और ये सब्जेक्ट मेरे पर छोड़ दो आग बंद करके जो बोल रहा हो खाली उतना सुनो और उतना प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली टैक्स अच्छा ही रहेगा ठीक है होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो